हमारी मौजूदगी इस वक्त उस गांव में है जहां पर आज बड़ा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। यहां पर ऐसी दर्जनों दुकानें हैं जो लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो लोग अब तोड़ रहे हैं। यहां पर एक महिला है हदीसुल नाम की, उन्होंने हाईकोर्ट में बीते दिन पहले एक रिट दायर की थी और उसी का नतीजा आज ये है यहाँ के लोग जो भुगत रहे हैं। जब जो कुछ है सामने है भैया हमारे, जब सब घर टूट गया, हम कब बेवतन कह दिए, 40-50 साल से रात है ये जमीन पर रात रात, आज तक कुछ नहीं बा। हदीस नाम के औरत की का हम गुनाह किया रहा जो ये ऐसा किस, ये हदीस नाम की कौन सी चिड़गारी है जो आएगी हमारे ऊपर टूट गए, नाम की कौन सी आप बता जो हमरे ऊपर आएगी गिरी है या बिजली गिराए दी हमरे ऊपर। यहाँ पर मौजूदा प्रधान मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं जो अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मकान बने थे वो कई पीढ़ी से बने थे, अब ये नौबत आई है तो उनको किस तरह का दर्द है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक का, प्रधान प्रतिनिधि सारा जगना। ये क्या ऐसी नौबत आई, क्योंकि ये मकान जो देखे जा रहे हैं काफी पुराने बने थे, तो क्या ऐसा कुछ? हदीसुल नाम की महिला एक हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के जाने के बाद में उसने 8 गाटा संख्या का जिक्र किया था, जिसमें प्रशासन ने 3 गाटा संख्या को हाईलाइट करके और उसको डिमोलिश करने का एक आदेश जारी कर दिया, जिसके क्रम में आज की डेट, कल अनाउंस के बाद आज की डेट थी, तो लोग खुद अपने हाथों से मकान तोड़ रहे हैं। इसमें तमाम मकानात भी हैं, दुकान हैं और ये लगभग 40 वर्षों से ऐसा इस गाटे संख्या में बना हुआ। लगभग कितनी संख्या होगी जो लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं? अब इस वक्त तो हमारे हिसाब से संख्या ये है कि जिसके जिसके घर हैं वो तोड़ रहे हैं, जिसकी जिसकी इसमें दुकानें हैं वो सब तोड़ रहे हैं, लगभग 60-70-80 का जो है दुकान और घर मिला करके सब 60-70। तो ये बताइए, कभी सोचा था कि इस तरह की नौबत आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुराने मकान बने थे, लोग पुश्तैनी भी रह रहे थे, जिसे भी सूचनाएं प्राप्त हुई कि लोग खत्म हो गए, उनके नाती पोते सब यहाँ रह रहे हैं, लगभग 40 वर्षों से एक पीढ़ी तो गुजर गई इस पर रहते रहते, और अब इसका वो आया है कि ये जमीन इसमें है तो अब गिराया जा रहा है, जबकि इसमें BSNL टावर का भी इसमें बना हुआ है। अगर रोड उससे नहीं प्रभावित हो रही है तो किसी के मकानात बने होने से थोड़ी प्रभावित हो रही है। ये बताइए, यहाँ पर क्या कुछ मकान ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत बने थे? इसमें आवास ग्रामीण, अरे लोहिया आवास के बने हुए थे, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास से भी बने हुए। तो उनको किसने पास किया होगा? ग्राम प्रधान, इसने ब्लॉक ने दिया होगा तभी उनको। कहीं ना कहीं जो है आप मानते हैं कि अधिकारियों से भी गलती हुई है बड़ी? अब अगर अधिकारियों ने सही जांच न किया होगा तो गलती हुई होगी। नहीं, जब बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है और उस पर भी बुलडोजर चलेगा जो योजना के तहत मकान बने हैं, तो ये तो साफ पता चल रहा है। वो बात तो सही है कि उनको पहले बसाना चाहिए, बसाने के बाद उनको उजाड़ देना चाहिए और इसकी नोटिस और सुनवाई का अवसर देना चाहिए, लेकिन उसमें अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो प्रधान जी, ये बताइए कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की आबादी जो 2011 की है वो 2335 की आबादी दिखाई जा रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, लगभग 7-8 हज़ार की आबादी। तो 7-8 हज़ार की आबादी है और भेड़ियों का आतंक भी है, प्रभावित क्षेत्र भी है, नज़दीकी में तहसील महसी शुरू हो जाती है, तो अब लोग कैसे रहेंगे, कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे, कैसे कहाँ रहेंगे? अब उनके लिए ये तो प्रश्न है ही है। हम लोगों के कुछ घर और मकानात हैं जिनको दिए गए हैं कि आप तब तक के इसमें बसर करें, गुजर करें, फिर उसके बाद जो प्रशासन निर्णय लेगा फिर देखा जाएगा। ये सबको बताया गया, सबको ऐसे एडजस्ट किया गया है, रात से पूरी कार्रवाई खुद अपने हाथों से तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर भी आए हैं? अब बुलडोजर आए हैं, रोड पे खड़े हैं, तो प्रशासन भी आ गया है, लेखपाल भी आ गए हैं, कानून को भी अभी नजर आ रहे हैं, सभी पुलिस बल भी बुलाया गया है। हाँ, पर्याप्त पुलिस मात्रा की है, जबकि ऐसी एक साथी यहाँ पर और मौजूद हैं, स्थानीय हैं, उनका भी घर यहाँ पर है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद जी, कौन सा मकान है आपका? हमारा तो मकान इधर अंदर पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे जान लीजिए परिवार ही के लोग हैं और जो जद में इसके आए हैं वो हमारे लोग, परिवार ही के लोग हैं। तो ये बताइए, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, तो क्या इस निकल के आ रहा है सामने, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब गुरबा हैं, जिनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, उनका दूसरा कोई आशियाना नहीं है, ना यहाँ पर कोई ज़मीन है उनकी कि दूसरी जगह वो बना सके, तो मेरी अपील ये है कि जब तक सरकार उनकी व्यवस्था ना कर दे, जिला प्रशासन, तहसील शासन, तब तक उनको उजाड़ा ना जाए।
वो जाएंगे कहाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं। और आपने जैसा बताया भेड़िया का आतंक जारी है हमारे क्षेत्र में, तो वो छोटे छोटे बच्चे अगर रात को रोड पर निवास करेंगे तो उनको डर और भय हमेशा बना रहेगा। तो उनको बचा लिया जाए, उन भेड़ियों को निवाला न बन दिया जाए बच्चों को। ये बताइए कितने दिन पहले सूचना मिल गई थी आप लोग को कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा? ये तो 7 दिन पहले हम लोगों के बीच में सूचना आई कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो 7 दिन में आज ही जो है लोग अपने दुकानों को मकानों को तोड़ रहे हैं? मुश्किल ये आई कि शासन ये कहने लगा कि अब टाइम कम रह गया है, पहले से इन लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, कहीं जा भी नहीं पाए। अपनी बात रखने के लिए हम लोग कोर्ट भी गए तो वहाँ भी मतलब बहुत कम समय था, सुनवाई भी नहीं हो पाई। तो ये अपने ही हिसाब से वो जो तारीख दी थी वही बरकरार रखे। लगभग कितने परिवार ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी जो अपना जीवन यापन इन दुकानों और मकानों से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है काफी सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं और सब दुकानें बनी हुई थी, तो कोई ना कोई बिजनेस वहाँ पर कर रहा होगा, कोई ना कोई व्यापार कर रहा होगा, तो कितने लोग इतने प्रभावित हो जाएंगे? प्रभावित तो बहुत से लोग हैं, प्रभावित लगभग 250 लोग हो जाएंगे इससे, जिनकी जीवन यहाँ से दुकानदारी कर रहे थे, उसी से अपने बच्चों को पाल पोस रहे थे, उनका खर्चा चल रहा था। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऋण ले रखा होगा उसी दुकान से, उसकी ईएमआई भी जाती होगी, हर 15 दिन पर या महीने पर उनकी ईएमआई है गवर्नमेंट को देना, उसी से यही उनका सहारा था। एक जो दुकानदार यहाँ थे वो यही सहारा था उनको कि इससे अपने घर को वो चलाएं और ईएमआई भी भरें। तो वो ये सब होगा तो वो लोग भी बेचारे एक समझ लीजिए रोड ही पर आ जाएंगे। अच्छा, जो महिला है जिन्होंने रेड हाईकोर्ट में दायर की थी, क्या उन्होंने क्या ऐसा देखा था जो ये काम कर दिया था? ये हदीसुल नाम की महिला है, उन्होंने ये रिट दायर की हाईकोर्ट में, और उनका कुछ बगल से कोई आपसी विवाद रहा होगा था, उसी को लेकर वो गई कोर्ट, और फिर कोर्ट में फैसला आया इस हिसाब से कि ये डिमोलिशन हो गया, यहाँ तोड़फोड़ होगी। अब क्या रवैया है उनके प्रति लोगों का? रवैया क्या, अभी लोग क्या करें, अपने परेशानियों में मुब्तला हैं, वो तो अपना खुद देख रहे हैं आप लोग कि खुद घर तोड़ रहे हैं, खुद अपना सामान हटा रहे हैं, हर चीज़ लें, लेकिन दुखी दुखद घटना है ये, सारे लोग दुखी हैं, यहाँ पूरा क्षेत्र दुखी है, यहाँ जो भी सुन रहा है दुखद घटना है। और अगर कुछ रिलीफ मिल सकता है शासन प्रशासन की तरफ से वो दिया जाना चाहिए, ये हक में है गरीबों के, और ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं कि शासन प्रशासन के बड़े लंबे कानून के हाथ होते हैं और वो चाहें तो उनको उजाड़ने से बचा भी सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये वजीरगंज गांव है और यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लोगों ने अपनी बातें कही, क्या गलती हुई, क्यों चला, अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, कुछ रिलीफ इनको मिलती है कि नहीं मिलती है। वजीरगंज गाँव से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।